केंद्र सरकार ने किसानों को फिर दिया बातचीत का न्योता। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 40 किसान संगठनों को पत्र लिखा। पत्र में सरकार ने किसानों से अगली बातचीत की तारीख तय करने को कहा। पूरी संवेदना के साथ बातों को सुनने और समुचित समाधान का फिर भरोसा दिया। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन में किसानों से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। किसान नेताओं ने किया रिले हंगर स्ट्राइक का ऐलान। आज स्ट्राइक में शामिल होंगे 11 किसान नेता। किसान नेताओं की देश की जनता से अपील। कहा 23 दिसंबर को एक समय का खाना नहीं खाए। किसान नेता जगबीर सिंह दालेवाल का बड़ा दावा। का 25 26 27 तारीख को हरियाणा का टोल प्लाजा फ्री किया जाए। एनडीए को समर्थन करने वाली पार्टियों के पास जाएंगे किसान नेता। पार्टियों के साथ मुलाकात करके आंदोलन को समर्थन देने की अपील करेंगे। अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हैं किसान नेता। राकेश टिकैत ने कहा अपनी मांगों को मनवाए बगैर नहीं हटेंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर समेत पूरे पंजाब में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभाएं। किसानों ने किया नमन। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों ने मनाया शहीदी दिवस। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। दिल्ली के निरंकारी समागम मैदान में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कृषि कानून के समर्थन में गाजियाबाद में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। देशभक्ति के नारे भी लगाए। किसान बिल के समर्थन में आए यूपी के किसान। कृषि मंत्री से की मुलाकात। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चलाया किसान चौपाल। बैलगाड़ी पर चढ़कर रैली भी निकाली। कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ संवाद किया। करीब 90 करोड़ के 40 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। किसान सम्मेलन में सीएम योगी का बयान। बोले हमने किसानों को कर्ज मुक्त किया। सीएम योगी ने कहा किसानों को खेत खलियान तक छोड़ने का होगा काम। सीएम योगी ने विपक्ष पर किया हमला। कहा बार बार चुनाव में हार का सामना करने वाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं। योगी ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। बोले किसी के जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। वीरभूम से अमित शाह का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा शिक्षा स्वास्थ्य विकास में पिछड़ गया बंगाल। राजनीतिक हिंसा भ्रष्टाचार में नंबर 1। शाह ने कहा ममता दीदी को हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। बोले बंगाल की मिट्टी से ही होगा सीएम। अमित शाह ने पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने का किया दावा। कहा 200 सीटें जीतेंगे। सीए को लेकर भी बोले अमित शाह। कहा कोरोना के टीके लगने शुरू होने के बाद सीए पर विचार होगा। बंगाल में भ्रष्टाचार पर बोले शाह तूफान के लिए आई केंद्र की मदद भी अपने कार्यकर्ताओं में बांटती है। अमित शाह ने उठाया लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। शाह ने ममता पर साधा निशाना। कहा नड्डा पर हमले के बाद ममता नहीं बोली एक भी शब्द। यहाँ राजनीतिक हिंसा चरम पर है। शाह ने कहा आने वाले चुनाव में टीएमसी को देंगे करारी मात। बोले बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाएंगे। शाह ने कहा हमारे पोस्टर फाड़े गए लेकिन आज जो जन सैलाब दिखा उससे सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। बोलपुर में अमित शाह का रोड शो। हनुमान मंदिर से बोलपुर सर्किल तक करीब 1 किलोमीटर की लंबी यात्रा। अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। गृह मंत्री के रोड शो के दौरान सुरक्षा के किए गए कड़े बंदोबस्त। अमित शाह ने कहा ऐसा रोड शो जीवन में पहले नहीं देखा। ममता के खिलाफ बंगाल में गुस्सा। शाह ने कहा इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा। बंगाल की जनता चाहती है परिवर्तन। अमित शाह ने कहा बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ के खिलाफ होगा परिवर्तन। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर भी बरसे अमित शाह। कहा दादागिरी खत्म करने के लिए परिवर्तन। गृह मंत्री अमित शाह विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद कलाकारों के साथ तस्वीर खिंचवाई। अमित शाह बोले गुरुदेव रविंद्रनाथ के योगदान को भूला नहीं जा सकता। बापू और सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा स्रोत थे। अमित शाह ने कहा गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार देने को पुरस्कार का ही मान बड़ा। वीरभूम में लोक गायक के घर अमित शाह ने किया लंच। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल रॉय ने भी खाया खाना। अमित शाह के वीरभूम पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। अमित शाह जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वीरभूम में अमित शाह ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी श्रद्धांजलि। शांति निकेतन में गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित की। रोड शो से पहले अमित शाह ने किया हनुमान मंदिर में दर्शन। रोड शो में भारत माता और जय श्री राम के नारे लगवाए। पश्चिम बंगाल के नदिया में दीवार पर लिखा मिला धमकी भरा स्लोगन। टीएमसी के खिलाफ वोट देने पर खून की नदियां बहाने की धमकी। प्रधानमंत्री मोदी आज वियतनामी पीएम गुएन जुआन फुच के साथ करेंगे वार्ता। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में रणनीतिक व्यापारिक और सामरिक संबंधों की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी आज भारत जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को भी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे होगा वर्चुअल संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को
IISF के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने CRPF काफिले को निशाना बनाकर ग्रेनेड अटैक किया। हमले में CRPF का एक जवान घायल। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान की राजनीति पर बोले अठावले, कहा गहलोत सरकार को गिराने की जरूरत नहीं, सचिन पायलट ही सरकार गिरा देंगे। शीतकालीन सत्र रद्द करने पर भड़की CPIM, कोविड के बहाने सरकार पर अपनी विफलता छिपाने का आरोप लगाया। कमल हासन ने पोरुरूर में किया रोड शो, समर्थन के लिए जनता का धन्यवाद। डीएम के चीफ स्टालिन का बड़ा दावा, कहा अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतना हमारा मिशन। देश में एक दिन में कोरोना के 24,589 नए केस आए सामने, देश में कुल एक्टिव केस 3 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना से 24 घंटे में 330 लोगों की मौत, अभी तक 1,45,477 लोगों ने गवाई जान। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, 1,091 नए केस, 26 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,811 नए केस, 24 घंटे में 98 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। लातूर में कोरोना मरीजों के इलाज के साथ साथ डॉक्टर्स ने की पढ़ाई, पास की MD की परीक्षा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,247 मामले सामने आए, 1,500 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,069 नए मरीज, 13 की जान गई। गुजरात में कोरोना के 1,010 नए केस, करीब 1,200 लोग ठीक होकर घर लौटे। राजस्थान में 978 नए मामले सामने आए, 9 लोगों की हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के 18 नए केस, राज्य में सिर्फ 241 एक्टिव केस। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 372 नए केस, 4 मरीजों ने तोड़ा दम, राज्य में 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में कोरोना के 1,194 नए केस, 5 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से 1,114 लोग संक्रमित हुए, 15 ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 5,711 ताजा केस सामने आए, राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी खुशखबरी, देश में अगले महीने से लोगों को मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन। दुनिया में कोरोना के 7,71,00,000 से ज्यादा केस और अब तक करीब 17,99,000 लोगों की मौत हुई। अब अमेरिकी जेलों पर भी कोरोना का बरपा कहर, हर 5 में से 1 कैदी मिला पॉजिटिव। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप, नीदरलैंड्स ने लगाई उड़ानों पर रोक। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने माना ब्रिटेन में कोविड के चलते हालात बेकाबू, Tier 4 का लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से लंदन के बाहर निकलने की अफरा तफरी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये लोगों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। दक्षिण कोरिया में भी बेकाबू हुआ कोरोना, लगातार 5वें दिन 1,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। थाईलैंड में भी कोरोना से बिगड़े हालात, रविवार को कोरोना के 700 नए केस पाए गए। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में कपड़े के गोडाउन में लगी आग, 2 गोडाउन पूरी तरह से जलकर खाक। आग ने पास की कुछ दुकानों को अपनी चपेट में लिया, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। गुरुग्राम में जमीन पर कब्जे के विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन लग्जरी गाड़ियों में तोड़फोड़, करीब 1 दर्जन लोग घायल। जमीन मालिक ने बचाव में हवाई फायरिंग की, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना मोबाइल में कैद, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में मोहनलालगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे की हत्या, अपने ईंट भट्टे पर बैठे सुजीत पांडे को बदमाशों ने 8 गोलियां मारी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारी, मौके से 8 खोखे बरामद, बचाव में सुजीत पांडे ने भी फायरिंग की थी। यूपी के गोंडा में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी, काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के गोवंडी में नारकोटिक्स विभाग ने जब्त की ड्रग्स की गोली, खुले बाजार में ड्रग्स की कीमत 33 लाख रुपए। मुंबई के ठाणे में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 युवतियों को पुलिस ने छुड़ाया, 1 शख्स गिरफ्तार। श्रीनगर में ड्रग्स मॉड्यूल का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की पीरागढ़ी में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 42 लोगों की हुई गिरफ्तारी। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग के साथ रेप, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग के साथ रेप में युवक को मिली उम्र कैद, यूपी के ललितपुर की है घटना। लुधियाना में 5 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ, 4 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा में BJP ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली पदयात्रा, 5 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या के मामले में न्याय की मांग। संबित पात्रा ने नवीन पटनायक सरकार पर आरोप लगाया, कहा सरकार आरोपियों को बचा रही है। MP के पेंच टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौत, बिजली लाइन के संपर्क में आया था तेंदुआ। शिमला में खोला गया ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग, कोरोना नियमों के चलते मास्क लगाकर स्केटिंग करते नजर आए लोग। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, दिल्ली में रविवार को सीजन का सबसे सर्द दिन रहा, न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व को देश को समर्पित किया, नॉर्थ 24 परगना जिले में है गैस फील्ड। PM ओली के संसद भंग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी, अप्रैल में होंगे चुनाव। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई, पार्लियामेंट को भंग करने की सिफारिश।
काठमांडू में पीएम के पियोली चुनाव आयोग से मिले पार्लियामेंट भंग होने की जानकारी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार कार धमाका, ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत, एक सांसद समेत 20 लोग जख्मी। फिजी में तूफानी चक्रवात का कहर, 4 लोगों की मौत, दर्जनों घर हुए तबाह।